आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण, क्रिया योग कैसे सीखें, क्रिया योग ध्यान कहाँ से सीखें और मैंने क्रिया योग ध्यान को किस तरह से स्टार्ट किया। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे गुरुदेव परमहंस योगानंद जी का। मैं डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर उत्तर प्रदेश, छोटे से एक शहर में सरसावा, उसके पास एक गांव छापुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम संदीप चौधरी है। मैंने क्रिया योग ध्यान की जर्नी को नोएडा के सेक्टर 62 में ईश्वरानंद गिरी जी के सानिध्य में सीखा है। ईश्वरानंद गिरी जी जो योगदास सत्संग सोसाइटी के एक पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी हैं और मेंबर ऑफ सेक्रेटरी भी हैं, और योगदास सत्संग सोसाइटी का कार्यभार एक आदर सन्यासी के रूप में वे निभा रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से मैं ईश्वरानंद गिरी जी से मिला, मेरी जर्नी कहां से स्टार्ट हुई और परमहंस योगानंद जी के सानिध्य में उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपाओं से आज किस तरह से मेरा जीवन बदला है क्रिया योगा ध्यान के माध्यम से। ये समय था जब मैं MSc इलेक्ट्रॉनिक साइंस करने के लिए झांसी पहुंचा, झांसी यूनिवर्सिटी में। वहाँ पे मेरी मुलाकात एक मेरे दोस्त रथिंद्र पांडे और विमलकांत पांडे से होती है। विमलकांत पांडे जो मेरे दोस्त, मेरे सहपाठी MSc इलेक्ट्रॉनिक्स में। मैं हमेशा जब भी रात में सोता था तो मेरे पास राम सुखदास लिखित श्रीमद् भगवद गीता प्रश्नोत्तरी का एक छोटी सी एक बुक थी जिसको मैं हमेशा अपने पास रखता था। श्रीमद् भगवद गीता का कोई एक श्लोक पढ़ के उसका मनन करते हुए मुझे सोना था। ये मेरी आध्यात्मिक दिनचर्या और मेरी ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति का ये ही एक माध्यम था। तो मैं धन्यवाद करता हूँ विमलकांत पांडे का जिन्होंने मुझे कहा, जो गोरखपुर के रहने वाले थे, पंडित परिवार से थे, उन्होंने मुझसे कहा कि अभी आप पढ़ाई कीजिए, जब आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाए तो परमहंस योगानंद जी की जीवनी योगी कथामृत जरूर पढ़ें। दोबारा फिर सुने, परमहंस योगानंद जी की आत्मकथा जीवनी योगी कथा अमृत जरूर पढ़ें, आपको पता लगेगा कि आध्यात्मिकता क्या है और किस तरह आध्यात्मिक पथ पर चला जाए। मैं उस दोस्त का, उस मित्र का आज भी धन्यवाद करता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे इस बुक का नाम बताया। उसी के साथ MSc इलेक्ट्रॉनिक साइंस करने के बाद मैंने MTech CDEC नोएडा सेक्टर 62 में एडमिशन लिया। MSc इलेक्ट्रॉनिक साइंस के बाद MTech VLSI जो गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली के अंडर में CDEC नोएडा नाम की संस्था है, मैंने वहाँ से MTech शुरू किया। MTech के बाद एक जॉब लगी, जॉब के बाद फिर मैंने टीचिंग को सेलेक्ट किया कि मैं अपना प्रोफेशन अध्यापक के रूप में, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में आगे करूँगा। ये समय है जब मैं देहरादून आता हूँ एक संस्था में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर अपनी जीविका चलाने के लिए। ठीक उसी टाइम मैंने योगी कथामृत को पढ़ना शुरू किया। परमहंस योगानंद जी की आत्मकथा योगी कथामृत मैंने अमेजन से ऑर्डर की। ये बुक बहुत ही कम बुक सेलर के पास मिलेगी, ये आपको ऑनलाइन मिल सकती है। आप अमेजन या फ्लिपकार्ट से उसको ऑर्डर करें और अपने एड्रेस पे मंगाएं और इसको प्रीफेस से पढ़ना शुरू करें, और इसको कभी भी जल्दी में नहीं पढ़ना चाहिए। मेरे लिए जो उचित टाइम था, क्योंकि दिन में मुझे पूरा दिन पढ़ाना था, अपने लिए नोट्स बनाने थे, बच्चों के लिए नोट्स बनाने थे। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत था देहरादून उत्तराखंड में, तो मुझे रात में ही टाइम मिलता था। जब मैंने इसको प्रीफेस से पढ़ना शुरू किया, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, 42 शायद इसके चैप्टर हैं, मैंने जब रात में इसको पढ़ना शुरू किया तो मैं रात में 2 या 3 बजे तक जब मैं इसको पढ़ता था बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता, एक एक पेज, एक एक सेंटेंस को ध्यान से, एक एक पैराग्राफ को बड़े ध्यान से पढ़ते हुए, मैं अनुभव करता था कि मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं,
और मुझे अनुभव हो रहा है कि मेरे पास जो बुक है वो मेरी आध्यात्मिक जर्नी की एक मार्गदर्शक है। परमहंस योगानंद जी ने, परमहंस योगानंद जी की जो विजडम है, उनका जो ज्ञान है, जो ईश्वर का प्रेम है, मैंने योगी कथामृत के माध्यम से पाया और मुझे अनुभव हुआ कि ये मेरे दिव्य गुरुदेव परमहंस योगानंद जी ही हैं जिन्होंने मुझे चुना इस जन्म में अपने शिष्य के रूप में। मैंने योगी कथामृत को बहुत जल्दी जल्दी नहीं पढ़ा, मैंने थोड़ा थोड़ा करके समझते हुए एक के बाद एक चैप्टर पढ़ना शुरू किया। कुछ समय के बाद मैंने देहरादून को छोड़ा और मैं पंचकुला हरियाणा में आया एक दूसरी संस्था में, जो दूसरी इंजीनियरिंग की संस्था थी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंडर में। वहाँ भी मेरा कार्यभार असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में रहा। जैसे ही मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में पंचकुला के इंजीनियरिंग कॉलेज में कार्यरत था, तो मेरी मुलाकात इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के एक दोस्त से हुई जिनका नाम अरविंद सिंह ही है, जो चंडीगढ़ पंचकुला में सेक्रेटरी के रूप में योगदा सत्संग सोसाइटी के एक सेंटर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और जो रेगुलर वहाँ पे ध्यान केंद्र में जाते हैं और ध्यान करते हैं। उनके ऑफिस में मुझे परमहंस योगानंद जी का एक कैलेंडर मिला। वो कैलेंडर देखने के बाद मैंने अरविंद सिंह जी को प्रणाम किया। मैंने उनसे कहा, प्रभु मैं योगी कथामृत पढ़ चुका हूँ और ये मेरे गुरुदेव का कैलेंडर है, आपका धन्यवाद कि आप मुझे अपनी लाइफ में वो दूसरे पर्सन हैं जो परमहंस योगानंद जी को जानते हैं। एक वो मेरे दोस्त जो MSc और MTech में मेरे साथ रहे, जो अभी ताइवान में अपने रिसर्च के लिए हैं, उनकी PhD पूरी हो गई है और एक अच्छे पद पर कार्यरत हैं ताइवान कंट्री में। और ये दूसरे कैंडिडेट हैं जिनका नाम अरविंद सिंह जी हैं, जो लगातार ध्यान सत्र में प्रेजेंट होते हैं पंचकुला चंडीगढ़ के योगदा सत्संग सोसाइटी के सेंटर में। तो उन्होंने मुझसे कहा कि क्या आपने क्रिया दीक्षा ली? मैंने कहा नहीं, बस मैंने पढ़ा और मुझे आगे का प्रोसेस नहीं पता। उन्होंने कहा कि नोएडा में अभी क्रिया दीक्षा का प्रोग्राम चल रहा है, आप और मैं दोनों निकलेंगे। अब मैं वहाँ पे रिजर्व कर देता हूँ, क्योंकि ठहरने की व्यवस्था उस तरह से नहीं है, क्योंकि ये ऐसी संस्था है योगदा सत्संग सोसाइटी जो कभी भी ध्यान के नाम पर किसी से कोई दान दक्षिणा नहीं लेती। तो जो स्वयं परमहंस योगानंद जी जो दिव्य गुरुदेव हैं, जो भी आध्यात्मिक रूप से पूर्व जन्मों में या इस जन्म में जो भी तैयार है, वो खुद अपने आप परमहंस योगानंद जी का जो आदर्श है उसको पाएगा, उनकी आशीर्वाद उनकी ब्लेसिंग्स को पाएगा, वो खुद वहाँ पे पहुँचते हैं। यही ईश्वर की व्यवस्था है। परमहंस योगानंद जी की योगदा सत्संग सोसाइटी का कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, क्योंकि ये कोई पैसा कमाने वाली या शिष्यों की संख्या बढ़ाने वाली संस्था नहीं है। तो इस तरह से अरविंद सिंह जी जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे अभी भी दोस्त हैं, आगे भी रहेंगे, हमेशा रहेंगे, उन्होंने मुझे गाइड किया कि हम नोएडा जा रहे हैं। और उस टाइम पे मेरे पास पैसे भी नहीं थे नोएडा जाने के लिए, उन्होंने सब व्यवस्था की और हम पहुँचे नोएडा। क्योंकि मैंने उससे पहले परमहंस योगानंद जी की दिव्य आत्मकथा योगी कथामृत पढ़ी और साथ ही साथ योगदा सत्संग सोसाइटी रांची में मेरा जाना हुआ। योगदा सत्संग सोसाइटी रांची में जाने से पहले मैंने ऑनलाइन गूगल सर्च करके परमहंस योगानंद जी के जो लेसन्स हैं उस टाइम पे ज़्यादा होते थे, आई थिंक शायद उस टाइम पे 110 चैप्टर होते थे जो परमहंस योगानंद जी ने लिखे हैं क्रिया योगा ध्यान की एक थ्योरी एक सिद्धांत के रूप में, जिसको पढ़ने के बाद ही कोई साधक क्रिया योगा ध्यान में आगे बढ़ सकता है। क्रिया योगा ध्यान के वो सभी पाठ लेसन्स जो क्रिया योगा लेसन्स के नाम से फेमस हैं, मैंने उनको पाया था जब मैंने फीस पे की, क्योंकि आने जो कुरियर की व्यवस्था है, जो स्पीड पोस्ट की व्यवस्था है और जो प्रिंटिंग कॉस्ट की व्यवस्था है वो मैंने की, और पर वो मैंने भी नहीं की, अरविंद सिंह जी ने अपने से पैसे भरे थे
और मेरा एड्रेस लेकर के मेरे एड्रेस पे वो एक के बाद एक चैप्टर आने लगे और मैंने उनको एक के बाद एक पढ़ना शुरू किया। चैप्टर वन से लेकर के चैप्टर लास्ट तक मैंने एक के बाद एक वो सारे चैप्टर पढ़े और फिर वो अचानक से प्रोग्राम बना जब अरविंद सिंह जी ने कहा कि क्रिया दीक्षा के लिए नोएडा सेंटर जो सेक्टर 62 में है वहाँ पे सन्यासियों की एक रिट्रीट है, वहाँ पे जो तैयार हो चुके होते हैं वो लोग दीक्षा ले सकते हैं। मैं और सिंघवी जी अरविंद जी वहाँ पे गए तो वहाँ पे ईश्वर की ऐसी व्यवस्था हुई कि ईयर 2014 में वहाँ पे मैं गया तो सीधे ही ईश्वरानंद गिरी जी के द्वारा जब उन्होंने पूछा कि क्या आपने क्रिया योगा जो लेसन्स हैं वो पढ़ लिए हैं, तो मैंने कहा जी हाँ पढ़े हुए हैं। तो पढ़ने के बाद जो उन्होंने जो क्रिया योगा लेसन्स में जो बेसिक्स लेसन्स होते हैं उनके बारे में पूछा तो मैंने बताया ये प्रोसेस क्रिया योगा दीक्षा लेने से पहले का है। जो वहाँ पे सन्यासी होते हैं वो पूछते हैं कि क्या आपने योगी कथामृत पढ़ी, गुरुदेव की जो आत्मकथा है, क्योंकि वो अहम सिद्धांत है। वहाँ से पता लगता है कि क्रिया योगा मेडिटेशन, क्रिया योगा जो ध्यान है, ये दुनिया को किसने दिया और परमात्मा की किस तरह से व्यवस्था है और कौन इसको पा सकता है। उसके बाद उन्होंने पूछा कि क्या जो गुरुजी के लेसन्स में जो प्रविधि दी गई हैं क्या आप उनका लगातार अभ्यास करते हैं, तो मैंने कहा जी मैं लगातार अभ्यास नहीं कर पाता पर मैं अभ्यास करता रहता हूँ। फिर भी गुरुजी ने ऐसी व्यवस्था की, मैंने क्रिया योगा दीक्षा ईश्वरानंद गिरी जी के शरण में जा कर के सेक्टर 62 योगदा सत्संग सोसाइटी का सेंटर आज भी है, उस टाइम पे अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो मैंने वहाँ से दीक्षा ली। तो आइए हम जानते हैं क्रिया योग ध्यान को किस तरह से और कहाँ से सीखा जाए। वैसे तो मैंने जो अभी आपको स्टोरी बताई है अपनी, उसमें आप जान सकते हैं कि बिना कही गए हुए, बिना किसी के अलग से कहीं आश्रम में जाकर के लगातार व्यवस्था ऐसी नहीं बन पाती, क्योंकि जैसा कि मैं हूँ कार्यरत हूँ, अभी भी कार्यरत हूँ, अभी पानीपत इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में पानीपत में कार्यरत हूँ, हरियाणा में, अभी यमुनानगर रह रहा हूँ जगाधरी में। तो आप देख सकते हैं कि कहाँ का रहने वाला, कहाँ पढ़ने वाला, किस तरह से परमहंस योगानंद जी का आशीर्वाद मिला। तो इस स्टोरी से आप समझ गए होंगे कि आप घर रहकर भी, एक गृहस्थी रहकर भी, सुबह से शाम तक कार्य करते रहते हुए भी क्रिया योगा ध्यान अपने निवास स्थान पर रहते हुए सीख सकते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं कि इसको किस तरह से जाना और सीखा जाए और क्रिया योग ध्यान है क्या। तो स्टेप नंबर वन, बिल्कुल भी कोई जल्दबाजी किए बिना सबसे पहले पूज्य गुरुदेव परमहंस योगानंद जी की जीवनी, आत्मकथा, योगी कथामृत को ऑर्डर करें अमेज़न या फ्लिपकार्ट से। आपके एड्रेस पर यह बुक आएगी, इसको पढ़ने में बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। योगी कथामृत वो महावेद और वो महापुराण है जिसमें आध्यात्मिकता की जितनी भी स्टेजेस हो सकती हैं उन सभी का प्रैक्टिकल, उन सभी की थ्योरी और गुरु जी की जो आदर्श जीवन लीला है उसमें आप सीख पाएंगे कि क्रिया योगा दीक्षा कैसे भगवान श्री कृष्णा, महावतार बाबा जी, लाहड़ी महाशय जी, स्वामी श्री युक्तेश्वर जी और अनन्य जो उन्नत संत हैं और परमहंस योगानंद जी जो मेरे दिव्य गुरुदेव हैं, उनके माध्यम से कैसे ये हमारे इस जीवन में हमारी सहायता के लिए, आध्यात्मिक सहायता के लिए क्रिया योगा दीक्षा, क्रिया योगा ध्यान के नाम से ये इस दुनिया को परमात्मा के द्वारा दिया गया पूज्य गुरुजनों के माध्यम से। अब मैं आगे बताता हूँ। तो स्टेप नंबर वन, पहले परमहंस योगानंद जी की योगी कथामृत पढ़ें। मैंने इसको मोर देन 50 टाइम्स पढ़ा है और सुना है। जब भी मैं जर्नी में होता हूँ तो मैं हमेशा पूज्य गुरुदेव का योगी कथामृत का कोई ना कोई चैप्टर सुनता हूँ, क्योंकि इसकी ऑडियो उपलब्ध है। मेरी भी इच्छा यही थी कि इसकी ऑडियो बहुत ही कम अवेलेबल है, तो परमात्मा की और गुरुदेव की प्रेरणा से मैंने भी ये चैनल बनाया है जिस चैनल का नाम है
माय डिवाइन गुरुदेव परमहंस योगानंदा, क्योंकि मैं इसको खुद अपने लिए बनाना चाहता था कि मैं लगातार अगर काम कर रहा हूँ या चल रहा हूँ तो मैं लगातार टीचिंग को नहीं लगातार पढ़ पाऊँगा, तो क्यों ना इसकी एक ऑडियो फाइल बनाई जाए। पर ऑडियो फाइल ने कि मेरे काम आए, बाकी सभी के काम आए, तो ऐसी प्रेरणा हुई कि मैं पूज्य गुरुदेव की जो भी रिटर्न लिटरेचर हैं, जैसे कि योगी कथामृत और डिवाइन रोमांस, मैन एटर्नल्स क्वेस्ट और गोल टाक्षी दर्जुना, वेयर देयर इज़ लाइट, और बहुत सारी बुक्स जो परमहंस योगानंद जी ने लिखी थी और जो उनके जो सत्संग में जो उनके द्वारा कहे हुए जो निर्देश हैं, जो योगदा सत्संग सोसाइटी और सेल्फलाइजेशन फेलोशिप अमेरिका में जो भी उनके लेसन्स हैं, वो जो भी बुक के रूप में लिखे गए, वो सारे कहीं पे अवेलेबल नहीं होते। तो मैंने अपनी इच्छा से और परमात्मा की प्रेरणा से ये ऑडियो बुक यूट्यूब पे डालनी शुरू की, जिससे मैं खुद भी सुनता हूँ और बार बार मुझे रिवाइज करने का मौका मिलता है गुरु जी की टीचिंग को। तो स्टेप नंबर 1, आप योगी कथामृत पढ़ें और उनको लगातार सुनें। स्टेप नंबर 2, जब परमहंस योगानंद जी की योगी कथामृत जो बुक है, जब आप पढ़ लोगे एक के बाद एक चैप्टर, बहुत जल्दबाजी में नहीं, हर एक चीज़ हर एक सेंटेंस समझते हुए, तो योगदा सत्संग सोसाइटी जो गुरुजी का जो मदर सेंटर है, जहाँ से ये लिटरेचर स्टार्ट हुआ, जहाँ से ये टीचिंग स्टार्ट हुई, जो ईश्वर की व्यवस्था थी, आप योगदा सत्संग सोसाइटी रांची ऐसा सर्च करते हुए क्रिया योगा लेसन्स ये गूगल सर्च करें, आपको क्रिया योगा लेसन्स योगदा सत्संग सोसाइटी जो मठ है रांची में, वहाँ से कूरियर के माध्यम से या स्पीड पोस्ट के माध्यम से अवेलेबल हो जाएगा। आप लॉगिन करें, आपको ऐप में भी मिल जाएगा। तो लेसन्स अब 18 हो चुके हैं, जो पहले 110 के करीब जो लेसन्स होते थे उनको कंबाइंड करके अब 18 लेसन्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये ऑनलाइन अवेलेबल है, इसके लिए ऐप भी है, तो आप हार्ड कॉपी भी पढ़ें और सॉफ्ट कॉपी से YSS के नाम से एक ऐप में उसको भी पढ़ सकते हैं। तो पहले योगदा सत्संग सोसाइटी के माध्यम से जो लेसन्स आपको मिलेंगे उनको थ्रोली पढ़ें। जब आप पढ़ रहे होते हैं तो उसी टाइम पे आपको कोई ना कोई एक इंस्ट्रक्शन मिलेगी थ्रू मेल और ऐप के माध्यम से भी, कि आपके नियर बाई पूरे इंडिया में या बाहर अदर कंट्रीज़ में योगदा सत्संग सोसाइटी या सेल्फलाइजेशन फेलोशिप के जो क्रिया दीक्षाएँ हैं वो कहाँ कहाँ दी जा रही हैं। तो स्टेप नंबर 1 था योगी कथामृत परमहंस योगानंद जी की जीवनी को पढ़ना। दूसरा स्टेप है क्रिया योगा लेसन्स, जो परमहंस योगानंद जी के निर्देश हैं कि ध्यान सीखें कैसे, उसकी पूरी थ्योरी और पूरा प्रैक्टिकल आप इसमें पाएंगे, कि अब क्रिया योगा आप सीखना स्टार्ट करते हैं और साथ साथ में प्रैक्टिस करते हैं। अब क्रिया योगा माध्यम जब क्रिया योगा ध्यान आप सीख रहे हैं तो आप इसमें पाएंगे कि इसके कुछ चरण हैं अलग अलग। सबसे पहला चरण जो क्रिया योगा ध्यान में सिखाया जाता है परमहंस योगानंद जी के द्वारा, कि किस तरह से आप अपने शरीर से प्राणों को जो आपके प्राण हैं, जो ईश्वरीय शक्ति है जिसकी वजह से जीवन है, जिसको हम प्राणायाम कह सकते हैं, तो प्राणायाम की विधि सिखाई जाती है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप यही है, प्राणायाम एक शक्ति संचार नियम के माध्यम से किस तरह से करें, कैसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने शरीर में किस तरह से उसको मिलाएं, और किस तरह से आप अपनी जो प्राणायाम की जो एक सही तकनीक है अपने शरीर के एक एक कोशिकाओं में ईश्वर की जो दिव्य शक्ति है उसको किस तरह से पहुंचाएं, तो इस पहली प्रविधि का नाम है शक्ति संचार नियम, शक्ति संचार विधि, बॉडी रिचार्जिंग टेक्निक। इसके बाद जो दूसरी टेक्निक आती है वो आती है साथ साथ में हंसा टेक्निक आएगी। तो पहले शक्ति संचार नियम, ये आपको योगदा सत्संग सोसाइटी के लेसन्स में, क्रिया योगा लेसन्स में मिल जाएंगे, उसको आप लगातार प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद आपको जो लेसन्स में ही मिलेगा हंसा प्रविधि सेकेंड स्टेप है, और इसकी प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको अनुभव होने लगेगा कि ईश्वरीय शांति, ईश्वरीय प्रेम और ईश्वरीय आनंद क्या है,
मैंने क्रिया योगा दीक्षा से पहले जब इसकी प्रैक्टिस की तो मुझे अनुभव हुआ कि मैं किस रास्ते पे हूँ, ये कितना आनंद और कितना प्रेम मेरे हृदय के अंदर और मेरी कितनी आदतों को ये बदल चुका है और किस तरह से ये परमात्मा के नज़दीक मुझे एक के बाद एक ये विधियाँ ले जा रही हैं। उसके बाद में एक विधि आती है ओम प्रविधि, ये भी क्रिया योगा लेसन्स में आपको मिल जाएगी। उसके बाद में महामुद्रा और दीक्षा क्रिया। तो दीक्षा क्रिया आपको जब ये आप सारे लेसन्स पढ़ लेते हैं, लेसन्स पढ़ने के बाद जैसे कि क्रिया योगदा सत्संग सोसाइटी से बहुत सारे जो दूसरे सेंटर्स हैं, जो क्रिया योगा ध्यान सेंटर हैं, मंडलियाँ हैं, वो हर डिस्ट्रिक्ट में कहीं ना कहीं पे होती हैं। आप जब योगदा सत्संग सोसाइटी रांची की साइट से सर्च करेंगे आपको पता लगेगा कि इंडिया में या अदर कंट्रीज़ में, अदर लोकेशंस में सभी जगह इसके सेंटर्स हैं जहाँ पे बहुत सारे सन्यासी आते हैं और क्रिया योगा दीक्षा को सिखाते हैं। अब बात यह है, बहुत सारे प्रश्न आते हैं, मेरे दोस्त मुझसे पूछते हैं या जो प्रश्न आते हैं कि क्या क्रिया योगा दीक्षा सेंटर से ही मिलेगी या इसको घर पे बैठ के सीख सकते हैं। तो बात यह है कि अगर एक व्यक्ति, एक बच्चा जो अनाथालय में है, उसका कोई माँ और बाप नहीं होता, तो भले ही पूरा जीवन किसी भी तरह से जिए पर उसके अंदर एक कमी रहती है माँ और बाप के प्रेम की। ठीक ऐसे ही अगर आप कहीं पे भी कोई भी आध्यात्मिक शिक्षा सीखते हैं और आप गुरु शिष्य संबंध में नहीं बंधते हैं, तो गुरु शिष्य संबंध में बंधे बिना शिष्य आध्यात्मिक प्रगति उस तरह से नहीं कर पाता जिस तरह से होनी चाहिए। तो ये ईश्वरीय और आध्यात्मिक व्यवस्था है कि अगर आपने आध्यात्मिक अपनी प्रगति चाहिए तो गुरु व्यवस्था ये एटर्नल एक रिलेशन है जो ईश्वरीय रिलेशन है। तो परमहंस योगानंद जी को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करते हुए जब आप कहीं से दीक्षा लेते हैं और वो दीक्षा नहीं वो गुरु शिष्य संबंध में बंधना है। गुरु शिष्य संबंध में आप प्रण करते हैं परमात्मा को गुरु के रूप में कि वो किस तरह से आपके साथ हैं और किस तरह से आपकी आध्यात्मिक उन्नति में उनकी आपको सहायता चाहिए या किस तरह से इस रिलेशन को मानें, किस तरह से समझें। क्रिया दीक्षा होते ही आप घर पे बैठें, अपने घर जहाँ पे भी जो भी आपका कार्य है सुबह और शाम, इसको जितनी भी आपकी क्षमता है अर्ली मॉर्निंग और सोने से पहले इसको आप करें। ये जो भी सारा खेल है आपकी विल पावर का है, ईश्वरीय प्रेम का है, आनंद का है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जब आप गुरु रूप में परमहंस योगानंद जी को स्वीकार करेंगे और उनकी तकनीक में से कोई एक भी तकनीक अगर आप नहीं छोड़ते और रेगुलर करते हैं, रेगुलर मतलब रेगुलर, मुझे 10 साल हो गए हैं और मुझे नहीं लगता कि अगर मैं क्रिया योगा दीक्षा क्रिया जो है या जो भी परमहंस योगानंद जी की विधि है या जिस तरह से भी उन्होंने सिखाया है, अगर मैं उसको नहीं करता तो मुझे पता है कि मैं क्या खो चुका हूँ। तो एक समय आएगा, एक समय आता है जब आप कार्य करते हुए भी ईश्वर के चिंतन में लीन रहेंगे, आप कार्य करते हुए भी दिव्य शांति और आनंद में बने रहेंगे और हर एक आप कहीं भी रहेंगे ईश्वर और गुरु आपके जीवन में आपको मार्गदर्शित करते रहेंगे। ये एक साइंटिफिक टेक्निक है, क्रिया योगा टेक्निक, जो पूज्य गुरुदेव परमहंस योगानंद जी और महान गुरुओं के माध्यम से हम इस पृथ्वी पर हमारे लिए आई है। आइए इसका लाभ उठाएं। तो आई होप कि इस स्टोरी से और इस बातों से जो अभी तक मैंने की हैं ये सभी क्लियर हो गया होगा कि इसको किस तरह से सीखें और कहां से सीखें। दोबारा फिर मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं। बिना परमहंस योगानंद जी के आत्मकथा जो बुक है उसके पढ़े बिना अगर आप क्रिया योगा दीक्षा कहीं से ले रहे हैं, आप कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको पता ही नहीं कि क्रिया योगा दीक्षा आप तक पहुँची कैसे। सेकंड, बिना क्रिया योगा लेसन्स के जो परमहंस योगानंद जी ने लिखे हैं उनके पढ़े बिना और उनकी प्रैक्टिस के बिना दीक्षा लेने का कोई औचित्य नहीं है। और फिर क्रिया योगा दीक्षा लेने के बाद उसको अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं तो ठीक ऐसे ही है कि आप कोई डॉक्टर हैं, कोई इंजीनियर है और आप प्रैक्टिस ना करें तो आप ना डॉक्टर हैं ना इंजीनियर हैं। तो बेहतर है आप इन तीनों स्टेप को 1 by 1 करें। पहले बुक पढ़ें यानी कि उसकी थ्योरी पढ़ें, थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल करें, प्रैक्टिकल लेसन्स हैं और फिर लाइव
दीक्षा लेकर के रेगुलर प्रैक्टिस में आगे बढ़ें। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि जो जो इस प्रोसेस को फॉलो करेगा वो आप मुझे, मैं तैयार हूँ इस सेवा के लिए कि अगर कोई मुझसे पूछता है कि किस तरह से लेसन्स आगे बढ़ें, किस तरह से पढ़ें, तो आप मैसेज कर सकते हैं। क्रिया योगदा सत्संग सोसाइटी रांची से आपको कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल है ऑन साइट, आप वहाँ से सीख सकते हैं। और जैसा कि इस चैनल का जो विज़न है, पूज्य गुरुदेव की शिक्षाओं को बार बार याद रखना और बार बार याद कराना, ये सेवाएं हमेशा जारी रहेगी। धन्यवाद। जय गुरु, जय गुरु।